नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए खबरों के रुख कर लेते हैं। मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। सरकार ने एक नए मंत्रालय का गठन किया है और साथ ही केंद्रीय मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाकर गवर्नर बना दिया गया है। माना जा रहा है कि यह नए मंत्रियों के लिए कदम उठाया गया है। मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार से पहले ये दोनों तस्वीरें मानो नए मंत्रियों को एडजस्ट करने की कवायद लगती है। पहले बात नए नए बने सहकारी मंत्रालय की। सरकार से समृद्ध के विजन को साकार करेगा नया मंत्रालय। मंत्रालय सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने वाले आंदोलन को मजबूती देगा। सरकार इस मंत्रालय के जरिए सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम करेगी। साथ ही मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव MSCS के विकास को बेहतर करने के लिए काम करेगा। इसी तरह का विस्तार से ठीक पहले राष्ट्रपति ने 178 राज्यपालों की नियुक्ति की। राज्यपाल के लिए इनमें केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को मंत्रिमंडल से हटाकर कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। चर्चा है कि ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह देने के लिए किया गया है। दरअसल थावरचंद गहलोत MP कोटे के मंत्री थे। 73 साल के थावरचंद 2014 से ही मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे। MP कोटा से नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे। फग्गन सिंह कुलस्ते और थावरचंद गहलोत मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे। हालांकि अभी तक सिंधिया के प्रोफाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें कोई अहम मंत्रालय दिया जा सकता है। लगातार कैबिनेट विस्तार को लेकर हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।